हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको M5 फ़ोन है तो पोको M5 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारा फ़ोन है तो फ़ोन को इरेज ऑल डाटा आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने पोको M5 फ़ोन को आप कैसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यानी रीसेट कैसे कर पाएंगे फ़ोन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही अब आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स आइकन पर, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने पोको M5 फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको अबाउट फ़ोन सेटिंग्स पे जाना होगा। तो अबाउट फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिर आपके पास से फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाता है। तो इस पे जाएंगे, तो इस पे जाकर आप फ़ोन को इरेज़ ऑल डाटा कर सकते हैं और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करते ही आपको पासवर्ड डाल देना है और पासवर्ड डालते ही नेक्स्ट कर देना, और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा सबसे टॉप वाले ऑप्शन पे। और टॉप वाले ऑप्शन के जरिए आप फ़ोन को इरेज़ ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने पोको M5 फ़ोन को। और सिंपली अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है सेटिंग्स में, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस आपको सर्च करना होगा फैक्ट्री रीसेट। तो सर्च करते ही फैक्ट्री रीसेट आइकन सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करके आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और इरेज ऑल डाटा भी आप कर सकते हैं। बस पासवर्ड डाल के उस पर चले जाएंगे और जो भी आपका फ़ोन का डाटा है, ऐप्स डाटा, फ़ोन डाटा, मोबाइल डाटा, उस पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा इस पर क्लिक करके। तो इस तरीके से आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं पोको M5 फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो